जनपद में 20 ब्लॉकों में से 17 ब्लॉकों के प्रमुख पद के प्रत्याशियों ने निर्विरोध चुनाव जीतकर भाजपा का परचम लहराया है। निर्विरोध निर्वाचित ब्लॉक प्रमुखों को शुक्रवार को कलेक्ट्रेट परिसर में अपर जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार सिंह ने जीत का प्रमाण पत्र दिया। इस दौरान 17 विजय प्रत्याशियों में 15 प्रत्याशी ही मौजूद रहे, जिन्हें जीत का सर्टिफिकेट दिया गया। फिलहाल अभी 3 सीटों पर 10 जुलाई को मतदान और मतगणना कराई जाएगी, उसके बाद विजय प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। गौरतलब है कि गुरुवार को जनपद के 20 विकास खंडों पर ब्लॉक प्रमुख पद के लिए नामांकन किया गया, जिसमें 14 प्रत्याशियों ने निर्विरोध जीत हासिल कर ली। शुक्रवार को खजनी ब्लॉक से रंजना सिंह ने पर्चा वापस ले लिया है। ऐसे में यहां भाजपा उम्मीदवार अंशु सिंह निर्विरोध विजयी घोषित कर दी गई हैं। जिन ब्लॉकों में भाजपा समर्थित प्रत्याशियों ने निर्विरोध निर्वाचन जीत दर्ज की है, उनमें खजनी में अंशु सिंह, गगहा में शिवाजी चंद, गोला में कुसुमावती देवी, कैंपियरगंज में अश्विनी कुमार जायसवाल, भरोइया में डॉक्टर सुनीता सिंह, जंगल कौड़िया से ब्रजेश यादव, पाली से शशि प्रकाश सिंह, पिपराइस से जनार्दन जायसवाल, कौड़ीराम में नीता सिंह, खोराबार में शिव प्रसाद जायसवाल, सरदारनगर से शशिकला यादव, ब्रह्मपुर से सुमन यादव, पिपरौली ब्लॉक से दिलीप कुमार यादव, चरगावा से वंदना सिंह, भटहट से रेखा सिंह, बांसगांव से लालमती का नाम शामिल है। इसके अलावा अब बेलघाट, उरवा और बड़हलगंज में 2 या 3 प्रत्याशियों के नामांकन की वजह से मुकाबला होगा और 10 जुलाई को सुबह 11 बजे से 3 बजे तक मतदान होगा। उसी दिन 3 बजे के बाद मतों की गिनती होगी और विजय प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। इस संबंध में नव सृजित ब्लॉक भरोइया के प्रथम ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर सुनीता सिंह और अपर जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार सिंह ने कहा। क्या नाम है? नाम रेखा सिंह। अपना नाम? ब्रजेश यादव। जनार्दन जायसवाल, पिपराइच। शिवाजी चंद, गगहा। अश्विनी कुमार, कैंपियर। नाम शशि प्रताप सिंह, पाली। वंदना सिंह, कहाँ से? डॉक्टर सुनीता सिंह, भरोही ब्लॉक। नाम? कुसुमावती देवी। कहाँ से? गोला ब्लॉक। शशिकला यादव। कहाँ से? सरदारनगर। राजेश कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, जिलाधिकारी महोदय, रिटर्निंग ऑफिसर महोदय की तरफ से उन्होंने स्वीकृति दे दी है और प्रमाण पत्रों पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। उनकी अनुमति से घोषित कर रहा हूँ बटहट से सुश्री रेखा को निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख के पद पर निर्वाचित घोषित किया जाता है। आप आगे हैं मैडम। कहीं पे लिख दे, इधर देखिए सामने रेखा जी। कोई भी और आना चाहे जिसकी इच्छा हो। आप बैठिए। बस बाकी लोग खड़े हो जाइए, अकेले पकड़े नहीं भी बाकी सब। आप भी सामने देखते हैं।
सामने देखिए इधर देखिए मैडम इधर। अरे भाई हाथ अरे हाथ लो भैया आप छोड़ दिए। सर आप लोग इधर 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 और भी हटाई दिया था यार। रुको राजू हो गया यार भैया थोड़ा भैया जब सहयोग करेंगे अच्छी आ रही ना। सामने देखिए भैया थोड़ा सा इधर एक सेकंड में उनको थोड़ा सा आगे करिएगा छू गए हैं। बस राजू हो गया किसी को डॉक्टर सुनीता जी वो माननीय मुख्यमंत्री का क्षेत्र है और मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से जनता की सेवा करूंगी। उनके लिए जो है उचित व्यवस्था करूंगी, अच्छी सड़कें अच्छी नालियां शौचालय आवास का जो है व्यवस्था करूंगी। इसके साथ साथ जो है हम लड़कियों की शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान देंगे। उनकी शिक्षा को बढ़ावा देकर ही हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। जब नारियाँ शिक्षित होंगी तभी वो जो है अच्छा कार्य कर पाएंगी, अपने घर में अपने अधिकारों को समझ पाएंगी। इसलिए नारियों की शिक्षा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरा है। उसके बाद जितने भी गरीब हैं असहाय हैं उनको जो है ऊपर उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये भी देखा जाता है कि तमाम विकास कार्य की योजनाएँ आपके ब्लॉक में चल रही हैं। जी नया ब्लॉक है विकसित भी होना है विकास भी होना है। जी जी तो अभी विकास के जो कार्य चल रहे हैं उस पर क्या आपकी नज़र रहेगी? जितनी भी योजनाएं चल रही हैं आगे जितनी भी भारत सरकार के द्वारा आएगी उसको मैं जो है पूरी निष्ठा और ईमानदारी से वहाँ पर पहुँचाऊँगी और बहुत अच्छा करने की कोशिश करूँगी। अभी तो नवसृजित ब्लॉक है वो और जितना हम कर पाएंगे पूरी कोशिश करेंगे उनको निष्ठा से ईमानदारी से पूरा करने की कोशिश करेंगे। महिलाओं की जो बात की है शिक्षा की लड़कियों की शिक्षा की बात की है कुछ ऐसे बुजुर्ग भी हैं जो भी शिक्षित होना चाहती हैं उनके लिए कोई पहल आप? जी अगर वो शिक्षित होना चाहती हैं अगर उनके अंदर इतनी निष्ठा है तो उनके लिए भी उचित व्यवस्था की जाएगी, उनको भी शिक्षित करने का पूरा पूरा प्रयास किया जाएगा। नमस्कार मैं राजेश कुमार सिंह एडीएम फाइनेंस गोरखपुर बोल रहा हूँ और हमारे जनपद में कुल 20 ब्लॉक थे जहाँ पर ब्लॉक प्रमुख का निर्वाचन होना था और 17 ब्लॉक ऐसे रहे जहाँ पर निर्विरोध चुनाव हो गया। कहीं पर एक ही पर्चा दाखिल किया गया था कहीं एक से ज़्यादा था तो आज उनकी नाम वापसी हो गई। टेक्निकली आज वो उनको हम लोगों ने निर्वाचित घोषित कर दिया गया और जिलाधिकारी महोदय जो हमारे रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनके हस्ताक्षर से सबको प्रमाण पत्र वितरित कर दिया गया। ये 17 जो भी हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं उनको बहुत बहुत बधाई। सर तीन अभी जगह तीन अभी स्थान है हमारे उरुआ बेलघाट और बड़हलगंज जहां पर चुनाव होना है। कल वहां पर फोर्स की पूरी व्यवस्था रहेगी और मेरा अनुरोध है कि जो आसपास के दूसरे लोग हैं वो तमाशबीन के रूप में वहां पे ना जाएं और केवल वे लोग जो वोटर हैं हमारे वही लोग जाएं और वोट करें। शांतिपूर्ण ढंग से वोट होगा 3 बजे तक और 3 बजे के बाद काउंटिंग हो जाएगी।